आज 11 मई है और 11 मई आपका मनाया जाता है भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्या है आपका? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब ये क्यों नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है 11 मई, तो इसके बारे में आपको बस थोड़ा बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। डे स्टूडेंट्स, 11 मई आपका कौन सा दिन है और क्या है 11 मई को स्पेसिफिकली, ऐसा क्या किया गया था, तो आप इस चीज़ को जानना चाहिए आपको। 11 मई 1998, आपको ध्यान रखना है, 11 मई 1998 जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपका यहाँ पर हैं हेड, जब आपका भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने किया हुआ था आपका शक्ति सेकेंड, शक्ति फर्स्ट, जो कि हमारा था न्यूक्लियर टेस्ट। तो शक्ति फर्स्ट आपका बेसिकली आपका न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर आपका टेस्ट था, 11 मई को हमने किया हुआ था। और इस समय आपका कलाम साहब आपका थे यहाँ पर, इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे। इसके अगले एक दो दिन बाद हमने दोबारा से कुछ और टेस्ट किए और भारत आपका डिक्लेयर हो गया, कि भारत ने अपने को डिक्लेयर किया कि यस वी आर द न्यूक्लियर, बेसिकली ना न्यूक्लियर कंट्री। हम लोगों के पास न्यूक्लियर वीपन्स भले ना हो, लेकिन हम लोग आपका न्यूक्लियर वीपन्स बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये टेस्ट कहाँ हुए थे आप सबको पता है, पोखरण में आपका हुआ था, राजस्थान में। और इस टेस्ट के बाद भारत छठे नंबर पर, अगर बात की जाए भारत दुनिया का आपका नाभिकीय शक्ति रखने वाला कौन से नंबर का देश बन गया, तो वी आर द सिक्स कंट्री राइट, जो कि न्यूक्लियर एलीट क्लब में शामिल हो गए। तो ऐसे देश जिनके पास आपका परमाणु हथियारों की क्षमता है, परमाणु नाभिकीय हथियारों की क्षमता है, वो आपका पांच देश पहले से हैं, जिनमें आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चाइना है, फ्रांस, और छठे नंबर पर भारत आ गया। उसके बाद फिर इजराइल है, पाकिस्तान, ये भी आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका हम लोग क्यों मना रहे हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इस वजह से मना रहे हैं कि 11 मई 1998 को हमने क्या किया हुआ था, शक्ति फर्स्ट राइट ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, आज का ज्ञान तो मैं मिल चुका कि 11 मई को हम लोग क्या मनाते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट खबर वो नेपाल से आई है आज, कि नेपाल में आपका जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ओली साहब ना, कहते हैं इनको ओली गोली, तो KP शर्मा जो ओली हैं ये विश्वास मत हार गए। 275 आपका टोटल आपका जो सदस्य हैं वहाँ की प्रतिनिधि सभा में, उसमें उनके फेवर मात्र 93 वोट मिले। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नेपाल में एक आपका पार्टी जो माओवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, इसके आपका हेड हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये भी पहले आपका वहाँ पर रह चुके प्राइम मिनिस्टर। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड, इन्होंने आपका इनसे समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लेने से आपका क्या हुआ, वहाँ की जो राष्ट्रपति विद्या भंडारी, इन्होंने आपका वहाँ के सभी समर्थकों को बुलाया कि भाई जिसके पास बहुमत हो आइए। फिलहाल आपका वहाँ का अनुच्छेद 100 ये कहता है, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 100 ये कहता है कि अगर आपका संसद में कोई भी आपका सरकार विश्वास मत हार जाती है, तो वो तत्काल तुरंत आपका सरकार अस्तित्वहीन मानी जाएगी। तो KP शर्मा ओली तो हो गए ख़त्म, KP शर्मा ओली ख़त्म हो गए क्यों, क्योंकि उनको झटका दिया पुष्प कमल दहल प्रचंड ने। और राष्ट्रपति कौन है नेपाल की, विद्या देवी भंडारी। ये सारा आपका जो मेरे को हेल्प कर रहे हैं विजय सर कर रहे हैं, थैंक यू विजय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका आगे यहाँ पर असम की। असम में आपका जैसे आपको पता है कि 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया हुआ है आपका हेमंता बिश्व शर्मा ने। हेमंता बिश्व शर्मा जो कि आज करीब 6 साल पहले तक कांग्रेस में थे, भाई साहब इस व्यक्ति का फोन इसने किया राहुल गांधी को कि भाई हम आपसे मिलना चाहते, 5 बार 6 बार 8 बार फोन करा, लेकिन राहुल गांधी साहब मिलने के लिए तैयार नहीं हुए हेमंत बिश्व शर्मा से। अगला जो है आपका इसने कांग्रेस छोड़ी, 1 साल वेट किया और जाके BJP में शामिल हो गया। अमित शाह तुरंत आपका पहचान जाता है कि कौन सा आदमी कैसा है। नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में भाजपा का आपका बिल्कुल कहीं पर भी जनाधार नहीं था, एक उनको जमीन से जुड़े हुए नेता की जरूरत थी और वो उनको हेमंता बिश्व शर्मा के रूप में मिल चुका था। जो ये NEDE है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, NDA आपको पता है ठीक है, जो भाजपा नीति आपका अलायंस है, जिसको आप नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हो, राजक कहते हो आपका हिंदी में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA कहलाता है। और जो नॉर्थ ईस्ट में आपका बना रखा है ये NEDE कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये आपका जो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के लिए बना हुआ, इसके संयोजक कौन है, इसके संयोजक यही आपका जो वर्तमान में हेमंत
हिमंता बिश्व शर्मा जो कि असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, ये हैं। इन्होंने अगले कुछ साल में असम में भाजपा को सत्ता में लाए, ये वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने असम में काम किया। जब आपका उस समय जो है सर्बानंद सोनेलाल आपका मुख्यमंत्री बने, सरकार में रहे, और इन्होंने ही आपका इस बार भाजपा को दोबारा सत्ता में वापस लाने में पूरी तरीके से मदद करी। अब इन्होंने कहा कि हम जब आपका एनआरसी है, इस एनआरसी का मुद्दा बहुत आपका असम में छाया हुआ था, एनआरसी को आपका एक तरीके से दोबारा सत्यापित कराएंगे, राइट। तो फिलहाल आपका ध्यान रखेंगे, आपका जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर है आपका, इसको दोबारा सत्यापित करने की बात आपका हेमंत बिश्व शर्मा ने की, 15वें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ ली हुई है। और बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को भी ट्विटर का आपका चक्कर झेलना पड़ गया, कंगना रनौत का तो पता ही है आप सबको ना, ट्विटर अकाउंट सस्पेंडेड हो गया। अगर ट्विटर पर आप कुछ आपका इस तरीके के आपत्तिजनक, कोई भी किसी की प्राइवेसी से रिलेटेड, पब्लिक सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें आपका क्या करते हो, आप इस तरीके की पोस्ट करते हो, तो कई बार ट्विटर आपका क्या करता है, आपका अकाउंट बंद कर देता है, टेम्परेरी भी बंद कर देता है, कई बार परमानेंट बंद कर देता है। तो मनोज सिन्हा ने कल आपका एक वीडियो पोस्ट किया हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये आपका उपराज्यपाल है जिनको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, सेंट्रल टेरिटरी है, और केंद्र शासित प्रदेश देशों में आपका वहां के जो प्रशासक होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो वहां पर आपका उपराज्यपाल होते हैं, राइट। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका, जो दिल्ली में आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर ना, तो ऐसे यहां पर आपका उपराज्यपाल जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना, मनोज सिन्हा। पहले आपका ये भाई साहब आपका मनोज सिन्हा जी आपका गाजीपुर से थे, रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे, आपको ध्यान होगा, इस बार हालांकि चुनाव हार गए थे, राइट। आगे बात कर लेते हैं, आपका कोविड की दवा का ट्रायल WHO शुरू करेगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जिस पर आरोप लगते रहे कि इसने आपका चीन की प्रॉपर तरीके से आपका निगरानी नहीं करी, और ये जो वायरस आपका कोरोना वायरस है, ये चीन की आपका लैब में वुहान में तैयार हुआ। आज भी आपका अमेरिका और आपका एकादा देश, खासतौर पर आपका फ्रांस जो है, कहते हैं कि नहीं भैया, ये तो आपका जो वायरस है, ये वायरस आपका जो है चीन की लैब का वायरस है। अब बात आती है बेटा यहाँ पर ये कि जो ये हैं भाई साहब WHO के आपका महानिदेशक, इनका नाम याद रखिएगा, कौन है आपका, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, इनको आपका शॉर्ट में डॉक्टर टेड्रोस के नाम से जाना जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर टेड्रोस ये आपका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका यूएनओ का ही आपका एक सदस्य, यूएनओ का ही आपका एक बॉडी है, यूएनओ का ही एक अंग, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, जिसका आपका हेडक्वार्टर है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आपका जो महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस, ये डॉक्टर टेड्रोस ने आपका 3 नई दवाओं के आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत करने की बात की है। इन 3 दवाओं के नाम तो नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम भी यहाँ पर दिए हुए, इनफ्लेक्सिमिस है, मार्टिनिब है और आर्टिसुनेट है। आपको हम लोग D2G ड्रग्स के बारे में भी बात करेंगे, जो भारत में आपका DRDO ने विकसित किया हुआ है, आगे इसको कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल डॉक्टर टेड्रोस के बारे में ये जानना जरूरी है, ये आपका भाई साहब कहाँ के हैं, तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर टेड्रोस का जो जन्म हुआ था ये असमारा में हुआ था। कोई बताएगा असमारा कहाँ पर है, आप में से कोई बताएगा असमारा कहाँ पर है? असमारा जो है, मैं आपको नहीं ध्यान अगर है तो मैं बताता हूँ, असमारा है इथोपिया में, है नहीं, हुआ करता था इथोपिया, जो कि आपका ईस्ट अफ्रीकन आपका कंट्री है, ईस्ट अफ्रीका में आपका आता है ये आपका अस्मारा, इथोपिया में हुआ करता था। बाद में इथोपिया से एक छोटा सा देश अलग हुआ और जिसका नाम है आपका इरिट्रिया। तो वर्तमान में आपका इरिट्रिया की आपका जो कैपिटल है वो आपका कौन है, अस्मारा है। तो इरिट्रिया की जो राजधानी है वो राजधानी है अस्मारा। तो ध्यान रखिएगा आपका कि इरिट्रिया जो वर्तमान में देश है उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में आता है, पहले आपका ये इथोपिया में ही हुआ करता था, बाद में गृह युद्ध हुआ, अलग हुआ, इरिट्रिया की प्रेजेंट में राजधानी है अस्मारा। तो डॉक्टर टेड्रोस इन्होंने आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर मलेरिया के लिए काम किया, मलेरिया रिसर्च पर बड़ा काम किया हुआ है। और अगर हम बात करें आपका कि ये डॉक्टर जो टेड्रोस हैं, ये डॉक्टर टेड्रोस बेसिकली आपका ये रहने वाले आपका कहाँ के हैं, अफ्रीका महाद्वीप के कौन से राष्ट्र के, पहले इथोपिया के और आज के टाइम पर इरिट्रिया के, राइट। और एक आपका जानकारी देखते हैं, मृणाली साराभाई, इनका आज का क्यों आ गया, आज के न्यूज़पेपर्स में इनके बारे में आप देखे होंगे, इनके सरनेम पर आप जाइए आगे, मृणाली साराभाई,
सारा भाई आया है और सारा भाई से आप तुरंत पहुंच जाइए इनके पति के नाम पर, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम सारा भाई। अब आपको समझ में आ गया होगा अहमियत, ये क्यों आज हम इनकी बात कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ था आज ही की डेट पर यानी 11 मई को। तो 11 मई आपका हम बात कर रहे हैं, क्यों आपका ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट। 11 मई 1918 को जन्म हुआ था किसका, मृणालिनी सारा भाई का। ये केरल में आपका इनका जन्म हुआ था 1918 11 मई में। भरतनाट्यम कथकली का प्रशिक्षण लिया, स्विट्जरलैंड गई, वेस्टर्न आपका इन्होंने आपका डांसिंग सीखी, 300 से ज़्यादा आपका इन्होंने आपका डांसिंग्स परफॉर्मेंस दिए। अहमदाबाद में इन्होंने आपका जो अकादमी शुरू की हुई थी अपनी, वो ध्यान रखेंगे दर्पण नाम से शुरू की हुई थी। तो विक्रम साराभाई की पत्नी है, अहमदाबाद में दर्पण नाम से इन्होंने अपनी एकेडमी शुरू की है और इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला हुआ है, राइट। इसके बाद की बात कर लेते हैं आपका, वो है आपका आज का दिन और इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, 11 मई ही आपका वो तारीख है 1951 में जब आपका सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ। जी हाँ, वही सोमनाथ मंदिर जिस पर आपका गजनी ने 17 बार आक्रमण, 17 आक्रमण झेले। उन 17वां आक्रमण में आपका बार बार ये मंदिर नष्ट हुआ, बार बार नया बना। इस मंदिर को आपका उस समय के राष्ट्रपति यानी हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। ये आपका जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भव्यता और दिव्यता का आपका प्रतीक है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, राइट। अब उस समय सरदार पटेल भी थे आपका, जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, उन्होंने आपका बहुत रोका, राजेंद्र प्रसाद जी को रोका, पटेल जी को रोका कि नहीं आप लोग यहाँ पर मत जाएं, बट आपका ये लोग गए और इन लोगों ने उद्घाटन किया। तो बहुत ढेर सारी कहानियाँ यहाँ पर आपका आती हैं, तो ये आपका चीज़ें ध्यान रहेंगी। एक और आपका हमसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका कोरोना बीमारी ने छीन लिया हुआ है और ये आपका है खगोल विज्ञानी रत्नाश्री। तो आपका ध्यान रखेंगे, दिल्ली में आपका तारामंडल है, जो दिल्ली में आपका चाणक्यपुरी है जगह, उसमें आपका नेहरू तारामंडल है और इसकी डायरेक्टर निदेशक आपका एन रत्नाश्री थी, इनका आपका निधन हो गया। तो ध्यान रखेंगे एन रत्नाश्री का संबंध कौन किससे है, एन रत्नाश्री क्या थी, ये आपका खगोल विज्ञानी है, राइट। और ये दिल्ली में आपका जो हमारा तारामंडल है चाणक्यपुरी में आपका, उसकी ये डायरेक्टर हुआ करती थी, राइट। अब बात कर लेते हैं, एक और व्यक्ति का निधन हो गया, वो है आपका फर्नांडीज, जॉर्ज फर्नांडीज का निधन हुआ। ये हॉकी से संबंधित आपका है, ये आपका 1975 में इन्होंने इंडियन जो जूनियर आपका टीम है उसका प्रतिनिधित्व किया हुआ था, स्ट्राइकर के फॉर्म में थे। जॉर्ज फर्नांडीज के नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जॉर्ज फर्नांडीज अगर आता है तो जॉर्ज फर्नांडीज के रूप में हमारे आपका डिफेंस मिनिस्टर भी थे जॉर्ज फर्नांडीज, उन्हीं उनका भी नाम था जो जनता दल यूनाइटेड आपका है, इससे पहले एक समता पार्टी हुआ करती थी, उसका बाद में विलय हो गया था जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाली पार्टी में। तो जॉर्ज फर्नांडीज भी आपका डिफेंस मिनिस्टर थे, लेकिन वो जॉर्ज फर्नांडीज अलग हैं, ये जॉर्ज फर्नांडीज जिनका निधन हुआ ये आपका भारतीय हॉकी टीम से सदस्य थे। तो आपको ये चीजें आपका समझ में आई होंगी। आज का अंतिम जो आपका ज्ञान है वो ये कि घनघोर अंधेरे के बाद ही उजाले की किरण फूटती है। तो आपका भरोसा रखिए, जब आपका अंधेरा छटेगा तो उजाला जरूर आएगा, राइट। चलो आज की आपका इकोनॉमी की क्लास को शुरू करते हैं, ये आपका सेशन आज का रहा, ओके। अब आपका